ये देखें, कल हमने एनर्जी सोर्स किया था वोल्टेज और करंट सोर्स, करंट ठीक है ना, वोल्टेज और करंट सोर्स हमने कल किया था, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे आज। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, ये केवल जो हमारा प्रैक्टिकल जो सोर्स है ना उसी से होगा। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स था उससे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, ना तो सीरीज में वोल्टेज सोर्स के ना करंट सोर्स के पैरेलल में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बीच में ही होगा, ठीक है। तो देखिए, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें ये वोल्टेज है वी और उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रखा है आर। ये होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, कल जो बताया था आपको। और ये है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये करंट आई है और ये रेजिस्टेंस उसके समानांतर रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है दो ए और बी, इन ए बी के ऊपर ये वोल्टेज सोर्स लगा रखा है हमने, इस वोल्टेज सोर्स को मैं करंट सोर्स में कैसे बदलू, या करंट सोर्स दे रखा है उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे बदला जाए। देखिए, इसमें चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, तीन चीज है उसमें। ये वोल्टेज सोर्स वी, ये है वी, ठीक है ना, ये वोल्टेज सोर्स है वी, इसकी पॉलिटी प्लस माइनस और रेजिस्टेंस का मान। इसी प्रकार से करंट सोर्स में तीन चीजें होगी, करंट आई का मान, उसकी दिशा एरो और रेजिस्टेंस आर का मान। बिल्कुल सिंपल है कन्वर्जन, जैसे ये कोई वोल्टेज सोर्स दे रखा है, इसको तुल्य करंट सोर्स में बदलना है अपने को, तो क्या करेंगे, ये करंट सोर्स बना दिया अपन ने, फिर जिधर देखिए इसका बैटरी का पॉजिटिव है ना, उधर करंट का एरो आ जाएगा, इसमें एरो ऊपर की तरफ है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर है, और अगर एरो पॉजिटिव नीचे होगा तो एरो नीचे आ जाएगा। समानांतर रेजिस्टेंस लगा दीजिए, जितने मान का ये रेजिस्टेंस आर सीरीज में लगा हुआ था ना वोल्टेज सोर्स के, उतनी वैल्यू सेम रेजिस्टेंस इसके समानांतर में आ जाएगा। और आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर, ये इस आई का मान हो जाएगा, समझ में आया। ऐसे यदि करंट सोर्स अपने को दे रखा है, उसको वोल्टेज सोर्स में अपने को बदलना है, तो अपन वोल्टेज सोर्स में इसको बदल सकते हैं। वोल्टेज सोर्स बना लीजिए, जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगा हुआ है उसको सीरीज में लगा दीजिए, करंट का जो एरो है ऊपर एरो है तो पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, और V का मान क्या होगा, V बराबर होगा I इंटू आर। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इसको देखिए आप, ये देखिए ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये करंट सोर्स है अपना, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की, दिख रहा है ये, यस सर। और इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस है, कितना है, 2 ओम का। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, इसको अपने को करंट सोर्स में बदलना है, तो सीधे से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये 2 ओम जो सीरीज में लगा रखा है ये पैरेलल में आ जाएगा करंट सोर्स के, और आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। और एरो क्योंकि पॉजिटिव ऊपर है तो इसका एरो किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, समझ आ गए, अच्छा। अब देखिए देखिए, अब हालांकि देखिए एग्जाम भी इतना आसान तो आएगा नहीं, तय बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ इसमें कुछ है नहीं। अब आप जो चीज ध्यान रखने की, वो क्या ध्यान रखने की, आपको ये चीज ध्यान रखनी,
दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स हमेशा सीरीज में ही ऑपरेट होंगे तथा दो या दो से अधिक करंट सोर्स हमेशा पैरेलल में ही ऑपरेट होंगे। वोल्टेज सोर्स हमेशा सीरीज में ऑपरेट होंगे, करंट सोर्स हमेशा पैरेलल में ऑपरेट होंगे। ऑपरेट होने का मीनिंग क्या है कि करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स यदि है तो वो सीरीज में ही जुड़ेंगे या घटेंगे, इसी प्रकार से करंट सोर्स जो है वो पैरेलल में जुड़ेंगे या घटेंगे। ये तो देखिए नियम हो गया अपना, ठीक है। अब ये बात है अगर एग्जामिनर उल्टा दे दे तो, जैसे मैंने ये कहा कि करंट वोल्टेज सोर्स सीरीज में ऑपरेट होंगे लेकिन वो पैरेलल में दे दे तो वोल्टेज सोर्स, इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है दिख रहा है, ये दो वोल्टेज सोर्स है, दो ओम 20 वोल्ट और 3 ओम 6 वोल्ट, ये किस में जुड़े हुए हैं? समानांतर में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। हमको क्या करना है, इनको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए आप, ये जो दो वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं पैरेलल में, इनको सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? यस सर। इसमें क्वेश्चन आ गया समझ में? हाँ सर। यस सर आ गया। हाँ, अब इसमें क्या है, मैंने आपको नियम क्या बताया कि वोल्टेज सोर्स सीरीज में ऑपरेट होते हैं और पैरेलल में कौन ऑपरेट होता है? करंट सोर्स। उल्टा दे दिया यहां पर, तो क्या करेंगे, ये जो दोनों वोल्टेज सोर्स है ना, ये दो वोल्टेज सोर्स, इनको पैरेलल में, इनको करंट सोर्स में बदलेंगे। आगे समझ में? देखिए यहां ये पहले वाला सोर्स देखो, 20 वोल्ट दो ओम है, करंट सोर्स में बदलूंगा तो दो ओम तो पैरेलल में आ जाएगा, ये दो ओम पैरेलल में आ गया, और 20 अपॉन दो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। और एरो किधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर है तो एरो किधर आएगा, करंट सोर्स का ऊपर आएगा, ठीक है। अब ये दूसरा वोल्टेज सोर्स पैरेलल में, इसको भी कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में, तो तीनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा? पैरेलल में। और 6/3 I=V/R कितना हुआ? 2। ये 2 एम्पीयर करंट आ गया, और क्योंकि इसका पॉजिटिव नीचे है तो इसका एरो किधर आएगा? नीचे की तरफ, नीचे नीचे की तरफ। अब नियम ये बताया था कि करंट सोर्स पैरेलल में ही ऑपरेट होते हैं, तो कर लीजिए ऑपरेट। 10 एम्पीयर ऊपर जा रहा है, 2 एम्पीयर नीचे, नीचे, तो ये दोनों करंट जुड़ेंगे घटेंगे? करंट जुड़ेंगे घटेंगे बोलो? 10 एम्पीयर ऊपर है, 2 एम्पीयर नीचे है, करंट जुड़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे सर। घटेंगे, वेरी गुड। अगर ये सेम डायरेक्शन में करंट होंगे ना तो जुड़ जाएंगे, दोनों ऊपर है तो जुड़ जाएंगे, दोनों नीचे हैं तो जुड़ जाएंगे, और एक ऊपर एक नीचे है तो घट जाएंगे। पॉजिटिव माइनस हो जाएगा। हाँ, कितना बचा? 8 एम्पीयर। डायरेक्शन 8 एम्पीयर, जो 10 वाली ऊपर की तरफ, हाँ, जिसका ज्यादा मान है ना, डायरेक्शन उसकी रहेगी। दिख रहा है ये आपको? अच्छा, अब ये, हाँ, अरे 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो उसका तुल्य कितना होता है? R1 R2 / R1 + R2। ध्यान नहीं है तो कितना हो जाएगा? 6/5 6/5। तो ये 6/5 हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया करंट। तो मैंने क्या किया, एक सिंगल करंट सोर्स मेरे पास आ गया जिसका करंट का मान कितना है? 8 ओम, और रेजिस्टेंस का मान कितना है? 6/5 ओम या 1.2 ओम। अब ये जो सिंगल करंट सोर्स बच रहा है ना, इसको वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट करो। वी बराबर क्या हो जाएगा? I/R, तो 8 × 6/5 कितना होगा? 48/5, ठीक है। रेजिस्टेंस 6/5 पैरेलल में, ये सीरीज में आ जाएगा 1.2, और क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ आ जाए। आगे गए समझ में?
आ गया सर। आ गया। तो इस तरह से यदि दो करंट वोल्टेज सोर्स पैरेलल में दे रखे हो तो पहले दोनों को करंट सोर्स में बदल लो, फिर दोनों करंट को एक सिंगल करंट सोर्स में बदल दो, और फिर उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में बदल दीजिए आप। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब ये दूसरा केस है उल्टा, जब दो करंट सोर्स सीरीज में जुड़े हुए। ठीक है, तो ये दो करंट सोर्स सीरीज में जुड़ रखे हैं, एक 8 एम्पियर एरो इधर है और तीन ओम इसके पैरेलल में है, और 3 एम्पियर इधर है, 2 ओम इसके पैरेलल में। इसको अपने को एक सिंगल करंट सोर्स में बदलना है, तो नीचे दिए गए सर्किट को सिंगल करंट सोर्स में बदलिए। बिल्कुल आसान है, पहले इसको लो 8 3 को, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? वोल्टेज सोर्स में, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स सीरीज में ऑपरेट होते हैं। तो 8 3 24 24 वोल्ट, और 3 ओम पैरेलल सीरीज में आ जाएगा पैरेलल वाला। और एरो देखिए, इधर एरो है पॉजिटिव, इधर एरो है ना, तो ये पॉजिटिव ही इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। इसी प्रकार से 3 3 2 6 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी, और 2 ओम सीरीज में या पैरेलल में तो सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, और इसका एरो तो इधर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव 6 वोल्ट का इधर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, अब देखिए, अब बैटरी को देखते हैं। रजिस्टर तो सीरीज में जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों, 3 और 2 5। बैटरी कैसे जुड़ेगी? देखिए देखिए सर्किट में हम ए से बी की तरफ चलते हैं। अगर सेम पोलैरिटी आएगी ना बैटरी की, तो वोल्टेज जुड़ जाएंगे, और अपोजिट यदि पोलैरिटी आ रही है तो घट जाएंगे। जब घटेंगे तो जो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है डायरेक्शन उसकी बचेगी। ठीक है, इस वजह से चले माइनस से प्लस चल रहे हैं अपन, और फिर चले प्लस से माइनस। माइनस, हाँ, तो अपोजिट पोलैरिटी आ रही है तो ये घट जाएंगे, तो 24 - 6 हो जाएगा, कितना बचा? 18, 18 वोल्ट बची। और पॉलिटी किसकी ज्यादा है? 24 वाले की ज्यादा है, तो 24 वाले की पॉलिटी आएगी, तो ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। आगे समझ में? अब ये सिंगल वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो गया हमारा, ये डबल से डबल करंट सोर्स सिंगल वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो गया। अब इसको करंट सोर्स बदल दीजिए, तो करंट सोर्स में क्या होगा? पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा, कितने का? 5 ओम का। करंट का मान कितना होगा? वी अपॉन आर, 18/5। और एरो की पॉजिटिव इधर है आपके, तो एरो की डायरेक्शन बी की तरफ, बी की तरफ पॉजिटिव है ना, ये देखो बी की तरफ पॉजिटिव है, तो एरो पॉजिटिव की तरफ होगा। आगे समझ में? तो ये जो करंट सोर्स थे अपने को सीरीज में, जो दो करंट सोर्स दे रखे थे, उसको मैंने एक सिंगल करंट सोर्स में बदल दिया। कभी भी देखिए 8 3 5 ऐसे मत कहते, 8 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है। पहले वोल्टेज सोर्स में करंट होएगा, फिर सिंगल वोल्टेज सोर्स में करंट होगा, और फिर उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। आगे समझ में? ये इसमें डाउट का बता दीजिए मेरे को। आ गया, चले लोकेश आगे। यस सर। अच्छा राकेश, आ गया समझ में? आ गया तुम्हारे? आ गया सर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में पहले 2-3 बार। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए सर्किट को एक सिंगल करंट सोर्स में बदलिए। तो सिंगल करंट सोर्स में बदलना है अपने को। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है दोनों पैरेलल में है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में कौन ऑपरेट कर सकते हैं? करंट सोर्स। तो सबको करंट सोर्स बदल दीजिए, जितने भी वोल्टेज सोर्स है सभी को करंट सोर्स में बदल दीजिए। जैसे ये है, दिख रहा नहीं है? 16 वोल्ट 4 ओम, कितना करंट बचेगा? 4, 16 / 4 ये 4 एम्पीयर करंट आ गया। डायरेक्शन एरो ऊपर है, ऊपर की तरफ आ गई, और ये पैरेलल में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कहाँ गया? सीधा पैरेलल में। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट किया, करंट कितना हो गया? 8/4, 2 एम्पीयर, पॉजिटिव ऊपर है तो एरो भी ऊपर की तरफ आ गया, और ये 4 ओम जो था पैरेलल सीरीज में जो लगा हुआ था इसके, वो किस में आ गया? पैरेलल में। ठीक है, नीचे वाला सर्किट लिया।
18 और 2 कितना हो गया, 9 एम्पियर, 9 एम्पियर आ गया, पॉजिटिव ऊपर है, एरो ऊपर की तरफ आ गया, 2 ओम सीरीज में इसके, 2 ओम इसके पैरेलल में आ गया। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लड़के क्या करते हैं इन सबको तो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर अपना प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व हो गया, उल्टा बढ़ जाएगा वापस, क्योंकि सबको करंट सोर्स में बदलना है, ये ऑलरेडी करंट सोर्स है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ये 3 एम्पीयर नीचे है, 2 ओम पैरेलल में। अब देखिए ये दोनों ऊपर की डायरेक्शन है, कितना हो गया 6, ये 6 एम्पीयर है, ओके, ये 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, कितना होएगा 2 ओम, 2 ओम आ गया, 8 है, 8 कहां से होगा पैरेलल में, 4 है, 4 पैरेलल में तो 2 ओम होएगा, सीरीज में 8 होएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना सर। हाँ ये तो 4 और तो 6 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एरो ऊपर की तरफ है, और ये 4 ओम और 4 ओम किसमें, समानांतर में, पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, कितना 2 ओम हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, दो समान वैल्यू के प्रतिरोध यदि समानांतर में है ना तो तुल्य प्रतिरोध उसका आधा हो जाएगा, जैसे 6 ओम के 2 है 3 ओम, 4 ओम के 2 पैरेलल में 2 ओम, 10 ओम के 2 पैरेलल में 5 ओम, ठीक है ना, ध्यान रखो, तो ये 2 ओम आ गया, दिख रहा है 2 दिख रहा है साइड कोने में, दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, ये इसको फिर मैं ड्रॉ करूं, दिख रहा है सर, दिख रहा है ना, चलो फिर ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करने फिर क्या वो दिक्कत कर देता है, ओके अच्छा ये देखिए, अब नीचे वाले में आओ, ये 9 एम्पीयर ऊपर है और 3 एम्पीयर नीचे है, कितना बचा 6, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, गुड, और ये 2 और 2 समानांतर में, 2 और 2 समानांतर में कितना बचा, कितना हो जाएगा 1 ओम, वेरी गुड, 1 ओम नहीं 1 3 1 ओम, क्या कंफ्यूजन है, ठीक है ना, 1 एम्पीयर 1 ओम, ओके, ये सर्किट बन गया हमारा, ये सर्किट वैसा का वैसा ही जैसा मैंने इससे पहले करवाया था, दो करंट सोर्स है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, अब मैं क्या करता हूँ, उनको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, इन दोनों को अलग अलग, पहले ऊपर है कन्वर्ट किया, वोल्टेज कितना हुआ 6 × 2 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, और 2 ओम सीरीज में, ये देखो, ये देखो, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट वोल्टेज आ गया, क्यों, एरो ऊपर है तो 12 में पॉजिटिव आपका ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, उसके बाद ये 6 और ये 1 है तो वोल्टेज कितना हुआ 6 × 1 6 × 1 6, एरो ऊपर की तरफ, यो एरो ऊपर की तरफ और ये 1 ओम ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, देखिए दोनों जो बैटरी लगी हुई है दोनों की पॉलिटी सेम है, माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, जुड़े कितने हो गए 6 और 12 कितने हो गए 18 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे सीरीज में 2 और 1 3 ओम, नेक्स्ट सर्किट दिख रहा है आपको 18 वोल्ट 3 ओम दिख रहा है, और दिख रहा है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया करंट सोर्स के अंदर, तो करंट कितना जाएगा 18/3 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर आ गया, और ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस है किसमें आ गया पैरेलल में आ गया, क्योंकि ये 18 का पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो इसमें एरो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये जो सर्किट था ए और बी टर्मिनल के ऊपर, ये इतना बड़ा जो सर्किट था इसको बदलना था सिंगल करंट सोर्स में, तो इसका आंसर सीधा क्या जाएगा, ये आ जाए ए और बी के ऊपर, ये जो पूरा सर्किट है इसको मैं कन्वर्ट रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आया 3 ओम और करंट कितना आया 6 एम्पियर, डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ है, आ गया समझ में भाई, आ गया सर, है ना, तो ये नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा, और ये जो हमेशा जैसे कर रहा हूँ लिंक जो मैं कर रहा हूँ है ना उसको शेयर कर दूंगा, ये अब भेज रहा है सर, ठीक है ना, आ गया समझ में सब कुछ, आ गया सर, ओके ओके।